गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आज कल मैं एक इसका वीडियो बना के भेजी थी, जिसमें डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था। आज मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमिक में आपका क्या महत्व है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है। आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था लघु एवं कुटीर उद्योग के महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम लोग का अधिकांश जो जनता है वो गाँव में रहती है, और गाँव में अधिकांश समय में लोग बेरोजगार रहते हैं, कृषि पर आधारित है। कृषि का जब समय निकल जाता है तो सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और उस बेरोजगारी को किस तरह से रोजगार में बदला जाए ताकि लोगों को जीविका का अपने जो जीवन स्तर है उसको बेहतर बना सके। तो इसमें क्या महत्व करता है कि अगर हम लघु और कुटीर उद्योगों को अगर महत्व देते हैं तो हमारा लोगों के जीवन स्तर में और क्या क्या चीज़ में वृद्धि हो सकता है, वो हम एक एक करके आपको पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि रोजगार में वृद्धि, यानी एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि। अगर हम लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से, यानी लोगों को जो शिक्षित बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, अगर उन लोगों को हम रोजगार की करते हैं तो खाली समय में इस काम को करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो, इतना पढ़ लिख कर भी जो शिक्षित बेरोजगार टेम्पू चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तो वो लोग क्या, वो सब शिक्षित बेरोजगार है। तो इस तरह के आज ये शहर क्षेत्र में है, लेकिन लघु और घर गाँव के कुटीर उद्योगों में क्या है, जो दिया बत्ती बना रहे हैं, या भगवान का प्रसाद छोटे छोटे पैकेटों में बना रहे हैं, या फिर झाड़ू बना रहे हैं, या आपका चटाई बना रहे हैं, या टोकरी बना रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है, कुटीर उद्योग में आता है। और लघु उद्योग में जो तकनीकी चीज़ों से चलता है, छोटे छोटे जो पर्स बना रहे हैं, या जो मधुबनी पेंटिंग करके साड़ी बना रहे हैं किसी जगह स्थान विशेष का, तो इससे क्या होता है कि रोजगार में वृद्धि होती है, और अगर रोजगार में वृद्धि होगा तो उनका जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा वो कहता है कि उत्पादन का अधिक मूल्य, यानी क्या है कि उत्पादन कभी भी हमको करना है तो हमको बाजार को देख करके करना है, यानी मार्केट में अगर सेलिंग होगा तभी हमको उसको प्रोडक्शन का काम करना है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर हम कर लिए और सेल नहीं हुआ तो हमारा वो जीरो है। लेकिन हमको प्रोडक्शन का काम को सेलिंग के हिसाब से करना है, यानी उत्पादन जो भी हम कर रहे हैं उसका अगर हम रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का अगर वैल्यू कम होगा तो हमारा बनाने में भी कम खर्च होगा, तो अगर कम खर्च होगा तो हम थोड़ा प्रॉफिट लेके अपने को सेल कर सकते हैं, तो लोगों को भी कम कीमत पे सामान मिलेगा और हम भी कम कीमत पे सामान को बनाएंगे। तीसरा कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल, यानी हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, हमारा अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, हमारी पूरी जनसंख्या गाँव में निर्भर करती है, तो गाँव में जीवन स्तर किस तरह से होगा, सबके पास में कुछ ना कुछ अभाव रहता है, तो हम उन लोगों की आवश्यकता के अनुसार अगर उत्पादन करें, उन लोगों की आवश्यकता के अनुसार अगर हम करें तो ये हमारा ज़्यादा काम होगा। यानी अगर किसी को जो सामान की ज़रूरत है वही अधिकांश हम नज़दीक में करते हैं जिससे कर सके। उसके बाद कहता है पॉइंट कि आय के समान वितरण में सहायक है। आय का समान वितरण कैसे है, यानी सभी लोगों को अगर रोजगार मिला है तो सभी लोगों को आय इक्वल मिलता है, तो अगर एक समान अगर इक्वल मिलता है तो सबका जीवन स्तर इक्वली रहता है। जैसे टाटा स्टील में जो काम करते हैं तो सारे एम्प्लॉई को एक जैसा घर आपको दिया गया है, एक जैसा उनका जीवन स्तर होता है, एजुकेशन होता है, तो जिस तरह से हमारे पैसे का होगा उस तरह से हमारा जीवन स्तर जो है सो एक जैसा हमारा होगा। उसके बाद कहता है कि कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी, जो पूरी जनसंख्या कृषि पर आधारित हो गई है उससे भार में कमी हो जाएगा, अगर लघु और कुटीर उद्योग अगर हम लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि आधी जो हमारी जनसंख्या है वो कारखानों में काम करेगी, लघु कुटीर उद्योगों में काम करेगी, तो जो कृषि पर आधारित लोग हैं वो बच जाएंगे, यानी कृषि पर से बोझ जो है सो हमारा
कम हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि रोजगार की स्थिति और सुरक्षा, रोजगार की स्थिति, जैसे मान लीजिए कि हम स्थानीय लोगों के लिए रोजगार कर रहे हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए अगर रोजगार कर रहे हैं तो उन लोगों को हमेशा उस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हम क्या होगा कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो हमेशा चलते रहेगा, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस में चलेगा। तो ये होता है कि और सुरक्षा रहेगी कि वो हमारा रोजगार कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आज जो हम बना रहे हैं कल उसका यूज हो रहा है, आज जो हम बना रहे हैं उसका डेली यूज की सामान है, जिसका हमेशा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो अगर हम उस चीज़ को बनाते हैं तो रोज की हमारी रहता है। उसके बाद कहता है परंपरागत प्रतिज्ञा एवं प्रतिभा एवं कला की रक्षा, यानी कला क्या है, हमारा जो वहाँ का स्थानीय, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, तो किसी एक खास जगह की ये मधुबनी पेंटिंग हो गई, तो अगर उस कला को हम जीवित रखते हैं तो वो कला हमारा अच्छे तरह से रोजगार के रूप में बन के आती है। अब उसके बाद 8 पॉइंट कहता है कि देश का संतुलित विकास होना, यानी देश का संतुलित विकास कैसे होगा, अगर सभी लोगों को रोजगार रहेगा, जीवन स्तर सुधरा रहेगा, प्रति व्यक्ति आय रहेगी, लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, तो जीवन स्तर, ये देश का संतुलित विकास अपने आप होगा। अगर हर आदमी का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, क्योंकि हर आदमी इस देश से जुड़ा हुआ है। तो अगर गाँव का विकास होगा तो उसके साथ साथ शहर का भी विकास होगा। तो ये है कि हमारा सब लोग उसके साथ में हमारा जुड़े हुए हैं। चलो, ये सारे पॉइंट है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें हमसे फ़ोन करके व्हाट्सअप से हम लोग पूछ लेंगे, और ये सारे पॉइंट को आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टि से ये आता है। थैंक यू।